असलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त केएस लेक जी नाज़रीन। राइट नाउ मां हिकिड़े इंस्टीट्यूट में आहियां, जिते जंहिं इंस्टीट्यूट नालो आहे साकी इंस्टीट्यूट आहे, जिते कोर्स सारा स्टूडेंट मौजूदु आहिनि, मेल एंड फीमेल मौजूदु आहिनि। स्टूडेंट्स अॼु जेको टॉपिक रखियो आहे, टॉपिक इहो आहे उनजी मर्ज़ीअ ते त फैशन वधीक केरु कंदो आहे, छोकिरा वधीक फैशन कंदा आहिनि या छोकिरियूं वधीक फैशन कंदियूं आहिनि। अचो त फ्रेंड्स उनजे बारे में कुझु हाल वाल कयूं, कमेंट्स वठूं, ॾिसूं छोकिरा छा था चवनि टॉपिक जे बारे में ऐं छोकिरियुनि छा थी चवनि टॉपिक जे बारे में, ऐं तव्हां बि जेकॾहिं कुझु चवणु चाहियो तव्हां चई सघो था। सो अचो typical, the expectation was visible, make money residual, pain due physically, come on, we'll resurrect the earth from birth to switch the dead, spread like it was sour spread, 75% of them season the millennium, get offended when Jack steps up and put the venom up, ladki zyada fashion karte hain, cuttings karwa lete hain, phati bhi pant pehen ke usse style keh dete hain, hair itne bade bade unke hote hain, अपने पहले इतनी नहीं करते थे लेकिन आजकल लड़कियों से कुछ ज्यादा ही करने लगे। जब भी किसी शादी में जाती हैं सुबह से रात तक तैयार में लग जाती हैं, तैयारी में गोल्डन बाल ग्लासेस जैसे के बॉयज हैं, मैचिंग पे चूड़ियां भी, मैचिंग पे हर चीज, बात नहीं चलता चेहरे पे भी कलर कर ले। अरे यार वो तो होता है रात को, अगर आप मार्केट में जाओगे तो जेंट्स के अलावा लेडीज के जो है ना थिंक से ज्यादा पड़ी थे फैशन। अब देखो अभैया भी पहनी हुई है तो डिजाइनिंग वाले आप देख सकते हो, अगर शादी किसी का दूल्हा बैठा हुआ होता है दुल्हन का है भाई फैशन करवाने के। फैशन में त इहो आहे त सभ खां पहिरियां हिन खे चवंदा आहिनि बेवकूफ़ी। ॿियो इहो त जहिड़ो ज़ोर सां फैशन मर्दनि में थो हले ओॾो ई माइनि में थो हले, पर इहो फ़िलहाल जेको आहे सो माइनि में फैशन हिन करे थो हले छाकाणि जो वध खां वधि उहे चाहींदा आहिनि त अट्रैक्शन थिए, ॿियो कुझु बि न आहे। आप किसी भी शादी में जाएंगे ना वहाँ पहचानेंगे नहीं कि आपकी फैमिली कौन सी है। नहीं, लड़के पहनते हैं बालियां वगैरह लेकिन वो लड़कियों को फॉलो क्यों करते हैं, वो क्यों पहनते हैं कि बालियां वगैरह, लड़के ही करते हैं ज्यादा फैशन उनको, नहीं वो अपनी तरह का फैशन करें जो उनके लेवल के, वो लड़कियों को फॉलो ना करें ना। लड़के वो फॉलो करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इन्होंने जींस क्यों पहनी है, इन्होंने जींस क्यों पहनी है, लड़कियां वो फैशन करती है जो उन पे सूट करता है और वो फैशन वो कम से कम ऐसी तो लगती है कि कोई कह सके वाओ सो ब्यूटीफुल। पहले आप ये बताएं ये अफवाह किसने फैला दी कि लड़कियां तैयार हो गए अच्छी लगती हैं, पहले आप ये बताएं। जब वो पसीने आती तो आपकी शक्ल कैसे हो जाती, बिल्कुल बंदर की तरह। लड़के कैसे फैशन ज्यादा करते हैं? हर तरह से फैशन करते हैं, कैसे हाउ? देखिए अब बालों का इन लोगों ने हवाला दिया कि बाल ऊंचे करके और अजीब मतलब रिंग्स पहन लेते हैं, बैंड्स पहन लेते हैं, हालांकि उनका ये फैशन होना नहीं चाहिए। डिसेंट बंदा वो समझते हैं कि हम ऐसे करके डिसेंट लग रहे हैं, तो ये गलत बात है। लड़कियां फैशन नहीं करती, लड़कियां करती हैं लेकिन तुक्के करती हैं जो उन पर सूट करते हैं, ऐसे करती हैं कि कोई उन पर टोंट ना करे। बॉयज़ के लिए ऐसे फैशन नहीं बने, ये सब गर्ल्स के लिए, बॉयज़ को सिंपल रहना चाहिए लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं करते, फॉर्मूले यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह। क्या ये सच है कि लड़कियां ज्यादा सपोर्ट मेकअप की लेती हैं, कॉस्मेटिक की ज्यादा सपोर्ट? नहीं, हर कोई नहीं, गलत है ये, नहीं रॉन्ग। नहीं, आजकल बॉयज भी बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह और ये फेस पाउडर, ये लोग भी बहुत लगाते हैं। आई वांट टू से टू हर दैट शी हैव एनी प्रूफ दैट के लड़के ज्यादा लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं? शी हैव, लड़कियां बहुत ज्यादा फैशन करती हैं। लड़कियों ने जैसे कहा कि लड़के पैंट शर्ट फाड़ के चलते हैं, जैसे लड़कियों के सीने फट जाए तो उनके लिए फैशन होता है, हमारे लिए कोई फैशन नहीं होता है। फटी हुई आस्तीनें पहनती है बच्चा, कोई नहीं पहनता, जो बेवकूफ होगा ना वही पहनेगा। लड़कियां बेवकूफ होती हैं? नहीं, बस लड़कियां बेवकूफ नहीं होती, लड़के बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जब लड़कियां कपड़े पहनती हैं तो कोई यहाँ से फटा होता है। बॉयज जो होते हैं इतने बड़े बड़े बाल करें, समझ ही नहीं आता गर्ल्स जा रही है जी पौनियाँ चिट्टिया बनी क्या क्या बांधते फिरते हैं। आजकल कंपटीशन का दौर है, दोनों ही ज्यादा करते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि कमीज यहाँ से पटी होती है यहाँ से पटी, तो ये रॉन्ग है। अगर लड़कियाँ पैंट शर्ट यूज करती हैं तो लड़के कढ़ाई किए हुए कपड़े या कुर्ते वगैरह क्यों यूज करते हैं, उन्हें भी नहीं करने चाहिए ना। अगर लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो लड़के भी जाते हैं, उनके भी तो ब्यूटी पार्लर है ना। सर आजकल के इस महंगाई के दौर में एक हस्बैंड कमाता है सिर्फ 6,000-7,000, पूरी पगार जो है ना उसकी बीवी मिस बोलती है मुझे ये भी चाहिए, ब्यूटी पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, अब बंदा घर चलाए या उनका फैशन।